नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। सिवहारा में क्वारंटाइन 40 लोगों की क्वारंटाइन अवधि पूरी होने के बाद सभी को घर भेजा गया। जी हां, इस मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर खालिद अख्तर ने सामुदायिक स्वास्थ्य टीम के साथ सभी क्वारंटाइन करने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद सभी को घर भेज दिया। जी हां, इस मौके पर डॉक्टर राकेश, योगेश कुमार, भूपेन्द्र प्रताप सिंह आदि, इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक अशोक राणा ने क्वारंटीन सेंटर पहुंचकर सभी को सरकार द्वारा मिल रही खाद्य सामग्री वितरित की। अधिशासी अधिकारी एपी पांडे ने बताया, इस वक्त हमारे यहां कोई नया केस नहीं, ईश्वर की कृपा से सभी लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, आज सभी लोगों को घर भेजा जा रहा है। कृपा से मेरी पूरी विधानसभा रामपुर में कोई एक भी केस कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया, और सरकार वैसे अब तो भरपूर मदद हो रही है, पर इससे पहले जब सरकार की तरफ से शुरू नहीं हुई थी तब भी मैंने अपने क्षेत्र में किट्स बंटवाने का काम शुरू कर दिया था, और लगभग पूरी विधानसभा हम कवर कर चुके हैं। करीब 28,000 पैकेट हम अब मैं अपने साथियों की तरफ से व्यक्तिगत रूप से बांट चुका हूँ, और अब तो केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा है। मेरा आप सबसे भी कहना है, ये साहब भी बैठे हैं और भी सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं, कि सरकार की तरफ से जो 1,000 रुपये आ रहे हैं, कोई अगर छूट गया हो तो उसकी लिस्ट जो बना के भेज दें। पत्रकार बंधुओं की भी जानकारी में कोई आया तो भैया मुझ तक बता दें, तो मैं उसको आगे बढ़ा दूँ। सरकार की तरफ से बहुत एड मिल रही है, और इस एड से कोई भी शख्स वंचित नहीं रहना चाहिए। आप कितने लोगों को भेजने जा रहा था? आज 40 लोग घर जा रहे हैं, और बहुत सारे तो मुझे बताया गया कि तेलंगाना से, मोपेट से अपने परिवारों के साथ आ रहे थे, तो उनको यहाँ 14 दिन क्वारंटाइन करके आज उनको घर भेजा था।